नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल पे जिसका नाम है न्यू मूवीज अपडेट। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताएंगे। सूर्या सर की मूवी कंगुआ रिलीज के आज पूरे 16 दिन कंप्लीट हुआ है, तो कंगुआ मूवी के 16 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइडली कलेक्शन आपको बता देंगे। डॉक्टर शिवराज कुमार सर की मूवी भाई राथी रनागल आज रिलीज के फाइनली पूरे 15 दिन कंप्लीट हुआ है, तो मूवी भाई राथी रनागल के भी 15 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आपको बताएंगे। साथ ही साथ धर्म रक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज मूवी आज रिलीज के फाइनली पूरे 8 दिन कंप्लीट हुआ है, तो इस वीडियो के अंदर इस मूवी के भी 8 दिनों के टोटल कलेक्शन आपको बताएंगे। आपसे उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें धर्म रक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज मूवी के बारे में, जो कि एक मराठी मूवी है और ओनली मराठी भाषाओं में ही ये मूवी रिलीज हुआ था। आज रिलीज के फाइनली पूरे 8 दिन कंप्लीट हुआ है, यानी आज से मूवी के लिए दूसरा वीकेंड शुरू हुआ है बॉक्स ऑफिस पे, और इस मूवी के कलेक्शन एवरेज तौर पे सही है। दोस्तों मूवी धर्म रक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज मूवी के टोटल बजट है ओनली 4 करोड़। कलेक्शन की बात करें तो दोस्तों मूवी ने अपने रिलीज के पहले दिन इंडिया बॉक्स ऑफिस में नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 33 लाख रुपए, अपने दूसरे दिन पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 53 लाख रुपए, अपने तीसरे दिन पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 93 लाख रुपए, अपने चौथे दिन पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 26 लाख, अपने पांचवें दिन पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 27 लाख, अपने छठे दिन पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 23 लाख, और अपने सातवें दिन पे यानी कल इस मूवी ने इंडिया पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 20 लाख रुपए। बात करें दोस्तों मूवी के 8वें दिन यानी आज की कलेक्शन की, तो दोस्तों रिपोर्ट के जानकारी के मुताबिक ये मूवी अपने 8वें दिन पे यानी आज जो नेट कलेक्शन करने लगे हैं इंडिया पे वो तकरीबन पूरे अगेन 20 लाख रुपए। और इसी के साथ दोस्तों मूवी धर्म रक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज मूवी के 8 दिनों का टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस में नेट कलेक्शन होते हैं पूरे 2 करोड़ 95 लाख रुपए, जबकि दोस्तों इन 8 दिनों का टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस में ग्रॉस कलेक्शन होते हैं पूरे 3 करोड़ 40 लाख रुपए, और इन 8 दिनों में टोटल कलेक्शन आया है ओवरसीज मार्केट से यानी इंडिया के बाहर से वो तकरीबन पूरे 80 लाख रुपए। यानी ठाकुर अनूप सिंह स्टारर मूवी मराठी हिस्टोरिकल मूवी धर्म रक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज मूवी ने अपने इन 8 दिनों में टोटल जो कलेक्शन कर लिया है वर्ल्ड वाइडली पूरे 4 करोड़ 20 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, यही है मूवी धर्म रक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज मूवी के 8 दिनों का टोटली वर्ल्ड वाइडली कलेक्शन चुकी हो चुका है पूरे 4 करोड़ 20 लाख रुपए। तो दोस्तों इस मूवी ने सक्सेसफुली अपने बजट को तो रिकवरी कर लिया है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे हिट होने के लिए और भी 1 करोड़ की कमाई करने होंगे, जो कि ये मूवी आसानी से कर भी लेंगे। यहाँ पे अगर कलेक्शन की बात करें कन्नडा मूवी डॉक्टर शिवराज कुमार सर की मूवी भाई राथी रनागल के कलेक्शन के बारे में, जो मूवी आज रिलीज के पूरे फाइनली 15 दिन कंप्लीट हुआ है। मूवी भाई राथी रनागल इस मूवी के टोटल बजट है पूरे 20 करोड़। कलेक्शन की बात करें तो दोस्तों मूवी भाई राथी रनागल ने अपने पहले हफ्ते पे टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस में नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 13 करोड़ का, और अपने दूसरे हफ्ते पे टोटल नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 4 करोड़ 72 लाख रुपए। और बात करें दोस्तों मूवी के आज की कलेक्शन अपने तीसरे हफ्ते की कलेक्शन की, तो दोस्तों मूवी के लिए तीसरा हफ्ता तो आज से शुरू हुआ है, और आज की कलेक्शन की बात करें अपने 15वें दिन के कलेक्शन की बात करें, तो रिपोर्ट के जानकारी के मुताबिक मूवी भाई राथी रनागल आज जो इंडिया बॉक्स ऑफिस में नेट कलेक्शन करने लगे हैं वो तकरीबन पूरे 40 लाख रुपए। और इसी के साथ दोस्तों मूवी भाई राथी रनागल के 15 दिनों का टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस में नेट कलेक्शन होते हैं पूरे 18 करोड़ 12 लाख रुपए, जबकि दोस्तों इन 15 दिनों का टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे ग्रॉस कलेक्शन होते हैं पूरे 24 करोड़, और इन 15 दिनों में टोटल कलेक्शन आया है इंडिया के बाहर से पूरे 6 करोड़ 50 लाख रुपए। यानी डॉक्टर शिवराज कुमार सर की कन्नडा मूवी भाई राथी रनागल ने अपने इन 15 दिनों में टोटली जो वर्ल्ड वाइडली कलेक्शन कर लिया है पूरे 30 करोड़ 50 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, यही है भाई राथी रनागल मूवी के 15 दिनों का टोटली वर्ल्ड वाइडली कलेक्शन जो की हुआ है
पूरे 30 करोड़ 50 लाख रुपए और मूवी हो चुका है ब्लॉकबस्टर मूवी। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें सूर्या सर की मूवी कंगुआ के कलेक्शन के बारे में, जो मूवी आज रिलीज के फाइनली पूरे 16 दिन कंप्लीट हुआ है। मूवी कंगुआ के टोटल बजट है पूरे 300 करोड़, लेकिन इस मूवी के जो वर्ल्ड वाइडली थिएटर के राइट्स है वो 190 करोड़ में बिके थे। मतलब इस मूवी को हिट होने के लिए पूरे 200 करोड़ की ऊपर कमाई चाहिए। कलेक्शन की बात करें डायरेक्टली तो दोस्तों मूवी कंगुआ ने अपने पहले हफ्ते पे यानी शुरुआती 7 डेज पे टोटली वर्ल्ड वाइडली कमाई कर लिया था पूरे 182 करोड़ का, और अपने दूसरे हफ्ते पे टोटल कमाई कर लिया था पूरे 21 करोड़ का। बात करें दोस्तों मूवी के तीसरे हफ्ते की कलेक्शन की, तो दोस्तों मूवी ने अपने 15वें दिन पे भी यानी कल भी इस मूवी ने वर्ल्ड वाइडली पूरे 95 लाख का कलेक्शन कर लिया था। बात करें दोस्तों मूवी के 16वें दिन यानी आज की कलेक्शन की, तो दोस्तों रिपोर्ट के जानकारी के मुताबिक मूवी कंगुआ आज इंडिया बॉक्स ऑफिस पे जो नेट कलेक्शन करने लगे है वो तकरीबन पूरे 45 लाख रुपए, जबकि आज इंडिया पे ग्रोस कलेक्शन होने लगे हैं पूरे 65 लाख रुपए और ओवरसीज कलेक्शन आने लगे हैं तकरीबन पूरे 35 लाख रुपए। यानी मूवी कंगुआ आज भी वर्ल्ड वाइडली पूरे 1 करोड़ का कलेक्शन करने लगा है। और इसी के साथ दोस्तों मूवी कंगुआ के अगर 16 दिनों के टोटल कलेक्शन को एक साथ जोड़ दिया जाए तो दोस्तों कंगुआ मूवी के 16 दिनों का टोटली वर्ल्ड वाइडली कलेक्शन होते हैं पूरे 204 करोड़ 95 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, यही है मूवी कंगुआ के 16 दिनों का टोटली वर्ल्ड वाइडली कलेक्शन जो कि हो चुका है पूरे 204 करोड़ 95 लाख रुपए। इतना कलेक्शन होने के बाद भी ये मूवी हिट नहीं हुआ है दोस्तों अभी तक। ये मूवी एवरेज है, एवरेज देखते हैं आगे कितने की कमाई और कर पाते हैं, शायद ये मूवी हिट भी नहीं हो पाए। जो भी हो, यही थे इन तीनों ही मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। आपसे उम्मीद है कि आगे की अपडेट के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले कोई वीडियो पे, टेक केयर, बाय दोस्तों।